नमस्कार, स्वागत है आपका सिने आजकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमने जीएसटी के जरिए करों की बहुलता को खत्म किया है। आगे कहा कि खाद्य उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है और कारोबार में सुगमता से सुधार हुआ है। दक्षिण कश्मीर शोपियां में शुक्रवार को हजारों लोगों ने नम आंखों से बीजेपी के युवा नेता जोहर अहमद को अंतिम विदाई दी। शोपियां में अंतिम विदाई में हजारों लोग शामिल हुए और शोपियां में आतंकियों से पहले बीजेपी युवा नेता के जिला अध्यक्ष और जोहर अहमद को अगवा किया और बाद में उनकी धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी हादसे में आखिरकार एनटीपीसी प्रबंधन ने अपनी गलती मान ली है। एनटीपीसी ने कबूल किया है कि धुआं धुआं करता हुआ एनटीपीसी का प्लांट यहां से एक एक के निकलते हुए शव सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। आम आदमी पार्टी की 6वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंदरूनी झगड़ा देखने और सुनने को तो नहीं मिला, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो कार्यकर्ताओं का गुबार फूट पड़ा। कुमार विश्वास और अमनतुल्ला खान के समर्थकों ने आपस में नेताओं के नारेबाजी की और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों नेताओं ने गाड़ी के चारों तरफ से घेर लिया। प्रदूषण से जूझ रही राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए 7 नवंबर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 4 दिन बाद यानी 7 नवंबर को एयरलॉक जैसी स्थिति बन सकती है। बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाली मुंबई पुलिस खुद साइबर ठगी का शिकार हो गई है। कई पुलिसकर्मियों की सैलरी अकाउंट से साइबर ठगों ने पैसे निकाल लिए। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रवर्तन निदेशालय रेलवे टेंडर घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है, मगर हर बार कोई बहाना बनाकर वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी को 7 नवंबर के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली आकर वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने प्रस्तुत होंगी। भोजपुर में इन दिनों लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करने वाले गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं, जिससे भोली भाली महिलाएं इनके चंगुल में फंसती नजर आ रही हैं। नवादा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर महिलाओं ने एक कथित ठग को धर दबोचा, जिसके बाद इसकी जमकर धुनाई कर डाली। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कथित ठग को हिरासत में ले लिया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल जो देती है नवोदित कलाकारों, गायकों, गीतकारों व निर्देशकों को उनकी अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता। आप से आप तक सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। गलत धंधे से काली कमाई अर्जित करने वाले बिहार के शराब कारोबारियों, रंगदारियों, अपहरणकर्ताओं और जालसाजों के खिलाफ जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय उनकी संपत्ति को जब्त करने का नोटिस जारी कर सकता है। डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपसना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके लिए एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार सर पर लटक रही है तो दूसरी ओर डेरा गैंग की ओर से उसे जान का खतरा बना हुआ है। बीती शाम से हो रही भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के तटीय हिस्सों समेत चेन्नई में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने आईटी कंपनियों से गुहार लगाई है कि वे लोगों को घर से ही काम करने की अनुमति प्रदान करें। अब आधार कार्ड होने पर भारतीय रेल से सफर करना और आसान हो जाएगा। IRCTC ने रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन करने पर एक महीने के अंदर 12 टिकट बुक करवाने की आजादी कर दी है। खास बात यह है कि इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल गुरुवार शाम को कुछ मिनटों के लिए रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो गया। उस दौरान ट्रंप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @realDonaldTrump को सर्च करने पर संदेश लिखा हुआ आ रहा था कि सॉरी, यह पेज उपलब्ध नहीं है। ट्विटर ने इस घटना के तुरंत बाद कहा कि अकाउंट ट्विटर के एक कर्मचारी की लापरवाही से अदृश्य हुआ है। चीन ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की पहल को फिर से बाधित कर दिया है। बता दें कि मसूद अजहर पठानकोट हमले में मास्टरमाइंड है।
जानलेवा गेम ब्लू व्हेल की चपेट में आकर एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। बागपत के बड़ौदा इलाके में शिकोपुर गांव के रहने वाले बीटेक के एक छात्र ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि उसने ब्लू व्हेल का टास्क पूरा करने के लिए अपनी जान दी है। महानतम विकेटकीपरों में से एक एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी जिस तरह खेल रहे हैं उससे पहले के सभी रिकॉर्ड खतरे में हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज से पहले का समय नजदीक आने के साथ साथ इस फिल्म की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में आज इस फिल्म का जमकर विरोध हुआ। गैर अनुदानित शिक्षा संस्था संचालक समिति ने आह्वान कर यह विरोध जाहिर किया है। मेरे साथ बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHECK मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।